तुमने पैर रख दिया अरे गलती से नीचे क्या नानी सोचते अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं जमील भाई के घर पे, उनकी शॉप पे, जो भी कह सकते हैं एक ही जगह पे है। हमने जो बर्थडे के लिए कपड़े लिए थे उसका मेजरमेंट देने के लिए, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं इन ऑर्बिट मॉल। और आपको अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए हम लोग, कुछ तो महक रहा है, क्या बना है ये? क्या है? अच्छा मतलब बिरयानी बनी है। ओह आपने पूरा कर दिया। अरे वाह, मिलाना तुम देख लो जैसी बनी हो पहली बार। ठीक है, आज मम्मी ने मेरे बिना पहली बार बिरयानी बनाई है, वरना हम हमेशा मिलके ही बनाते थे। खाना कर दे। हाँ, क्या बना पापा के लिए? फ्रेंड्स आज इतनी ज्यादा क्रेविंग हो रही थी सुबह से, या तो लग रहा था बिरयानी मिले या तो अच्छी एकदम चटपटी खिचड़ी मिले। हमने उनसे कहा था कि अगर आपसे नहीं बने अम्मी तो आप एक काम करना, आप मसाला बना के रखना, आके हम उसे पसा के मिक्स कर देंगे। लेकिन अम्मी ने पूरा कर दिया है कि पुलाव पहले खा कर। अरे कुछ तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मिक्स करना बड़ा ही ताकत का काम है, आप ही करो भैया। थोड़ी सी अम्मी हल्की सी गीली हो गई, लेकिन टेस्ट ज्यादा मैटर करता है। पहली बार मैंने हाँ बनाई है, लेकिन बाकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बाकी खा के देखते हैं फ्रेंड्स आप। सही है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छी। कब से नहीं खाई थी अम्मी, बहुत ज्यादा मन कर रहा था ऐसे घर की बिरयानी खाने का। थैंक यू अम्मी, लव यू, लव यू अम्मी, लव यू। मिट्टी दो सनी के सामने हरी मिर्ची मांगती ना, सनी बोलता अम्मी पता है सनी क्या बोलता? हाँ खा लो जहर, खा लो और जहर खा लो। और बस देखो अब बर्थडे आने वाला है, तो सब लोग अपना प्यार भेज रहे हैं, केक भेज रहे हैं, लेटर्स भेज रहे हैं, काफी अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ये व्लॉग कंटिन्यू किया है, वो भी रात में, क्योंकि सुबह से मैं चली गई थी सैलून अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो अभी मैं घर लौट रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बच्चे कहाँ हैं? ट्यूशन। थक गए, भूख लगी है, क्या है खाना? मेथी। चलो अब कल तो बिरयानी खिलाई थी, आज मेथी खा लेंगे। बाल कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। कलर नहीं करा है? पीछे देखा, हाँ अच्छे लग रहे हैं। लंबे भी दिखते हैं ना ऐसे? बड़े भी दिखते हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे करवा लिए हैं। अच्छे लग रहे हैं बाल? अच्छे लग रहे हैं एकदम, बस ऐसे ही निकल गए। क्यों ऐसे? लेकिन अच्छा है ना, व्हाइट शूज पहनो बस, कुछ रेडी। व्हाइट शूज ऐसे हर चीज में ध्यान, कोई भी ड्रेस दो व्हाइट शूज पहनो। अच्छे लगेंगे ना, देखो बालों से शूज का क्या कनेक्शन। कल लास्ट एग्जाम, कल ही घूमने जाएंगे। फ्रेंड्स आप सबको ना एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज देनी है, बहुत अच्छी वाली गुड न्यूज। मतलब गुड न्यूज लो इससे पहले ही बता दिया। हाँ। मतलब गुड न्यूज तो गुड ही होती है, लेकिन अच्छी वाली गुड न्यूज ये कि कल से नहीं आ रहा है। अभी अलहमदुल्ला वो ट्रेन में बैठा हुआ है। और तुमने मेरा पहले से क्यों बता दिया? क्योंकि मुझसे ज्यादा बच्चे भी एक्साइटेड है, तो उनकी भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि उनके सबसे पहली बात तो कल एग्जाम खत्म हो रहे हैं, दूसरी बात से नहीं आ रहा है, तीसरी बात मेरा बर्थडे, चौथी बात कि हम लोग को लोनावला जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी खुशियां हैं। मुद्दा ये है कि सनी आ रहा है, मुझे बनाना है कुछ मीठा, तो मैं सोच रही हूँ मैं रात भर, मुझे वैसे भी एक्साइटमेंट हो, ज्यादा नींद तो आने नहीं वाली है, तो मैं उसके लिए खीर बना लूँ। अब मम्मी कह रही है कि गाजर का हलवा बना लो, लौकी का बना लो, जो सीजन है खीर तो खाते रहते हैं। गाजर का हलवा इतना अच्छा मौधा में एक दुकान में मिलता है, वो वहाँ पे खाता रहता होगा, अब जब मैं बनाऊंगी तो उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। खीर भी तो खाई होगी ना? खीर ऐसी शायद मेरे जैसी ना खाई हो। बना देंगे इंशाल्लाह जब वहाँ से लौट के आएंगे। अभी रेहान तुम बताओ, क्या खीर या गाजर का हलवा? खीर। तुम बताओ? गाजर का हलवा। तुम बताओ? लौकी का हलवा। क्यों? वो खीर अलग ही जो बनाती है। गुलाब जामुन रसगुल्ला बना लो। संतोष भैया की तबीयत ठीक नहीं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और इस वक्त तो धर्म दादा भी चले गए होंगे अपने घर। अब हम लोग 10 बजे मावा लेने कैसे जाएं? कैसे जाएं? दूध नहीं मिल रहा, मावा मिल जाएगा डेयरी में। 10 बजे हम जाएंगे, कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे। ऑटो में चले, ऑटो में। अभी तो कहावा को घड़ी के बारे में नहीं पता ना? पक्का तुमने इशारा तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। दे मावा की आंख बंद कर लो चल के। बताया तो नहीं? नहीं। सरप्राइज थोड़ा दे रहे हैं, एक नया चैलेंज खेल रहे हैं। आपको बताना कितने नंबर है, बताओ। हम दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाओ, 5 में से कौन सा नंबर दिखा रहे हैं? 5। अरे वाह, दिख रहा है आपको रेहान? बिल्कुल। आप बताओ जल्दी। 6। 5 उंगली होती है, उसी में से बताना है। 2। अरे वाह। चलो आपको बताना की क्या चीज है, ठीक है? जल्दी जल्दी गैस करो। ये लगाने वाला। अरे कान में लगाने वाला, समझ जाएगी। ये फूल डलिया के। ये भी समझ जाएगी। ये चाबी गाड़ी की। ये बताओ झोला।
अरे झोले के अंदर पता नहीं है, अंधेरा है, देखो निकालो से घड़ी। किसकी है? आपकी। अल्लाह कितनी अच्छी, कहाँ से ली है? कल ली थी। कब? कल जब हम तीनों गए थे। तुम्हें पता था रेजा? हाँ, हम तीनों सरप्राइज देना चाह रहे थे। मेरी काली ऐसी घूम गई थी ना। हाँ। अल्लाह तुम्हें याद था? हाँ, कल हम लोग गए थे ना फ्रेंड्स से लेके आए थे। कल से मेरे अंदर रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल पाया देने का, तो हमने कहा अभी देते। इतनी देर दुनिया भर का चाबी ये वो सब गिना के, बहुत अच्छी है सर। मेरी ऐसी काली घड़ी थी, दिलाई मम्मी को भी मैंने अपने शादी से एक दो महीने पहले ही दिलाई थी। मम्मी ने तभी एक बार निकाली थी और मौदा ले गई थी। अब मौदा में रख दी इधर उधर मेहमानों में, भीड़ में अल्लाह जाने वो कहाँ हो गई। तो वैसी वाली फिर भाभी ने भी लाने की कोशिश करी दुबई से, लेकिन होता ना दूर से उन्हें पता नहीं चलता, तो वो एग्जैक्ट ऐसी नहीं थी। लेकिन ये वाली ये उस जो ये अंदर का है ना, हाँ। ये नहीं था, पूरी काला था, काला था। हाँ। इसमें तीन घड़ी अंदर ये बनी है, तीन घड़ी बनी, देखो है। एक दो तीन। और अम्मी को वो घड़ी इतनी प्यारी थी, मतलब अम्मी उसको इतना ज्यादा दिल से रखती थी कि मैं पहनूंगी नहीं, संभाल के रखूंगी, और वो ही घड़ी गुम गई। होता है ना कभी कभी नजर लग जाती है वैसा वाला, तो हमने कहा उनके लिए दे देते हैं। और इस बार तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया, 20%। हैप्पी? हाँ। देखो भैया, मेरा बर्थडे मन चल रहा है, और जो मुझे जिंदगी में लाया है, जिसने मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया है, जिसने मुझे इतनी सारी दुआएं दी हैं, उसके लिए इतना सरप्राइज तो बनता है। नहीं, तो अम्मी मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। हर माँ अपने बच्चों को दुआ करती है, अपनी मेहनत से तुम्हारी मेहनत है, सबकी दुआ है मेरी। लेकिन फिर भी अम्मी बहुत सारी दुआएं आज काबिलियत से अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है, मेहनत और सबका प्यार, सबकी दुआएं। मैं अकेली बिल्कुल नहीं, कभी ऐसा नहीं कहना, सब हर माँ दुआ करती है, माँ का तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे दोस्तों को सबका, तुम्हारे अल्लाह की दुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन आप हैप्पी हो? हाँ, हाँ, अब मुझे क्या दोगी? हमने कल बोला था क्या, जो तुम्हें सूट जो भी लेना है, 4,000-5,000 का, 6 जितना तुम्हें लेना हो, 10,000 का अंगूठी छोटी, छल्ला, कान के जो लेना हो, पायल, बस यही तो दूंगी। हाँ। और बाकी दुआएं तो है ही। चलो ठीक है, फिर मम्मी से हम क्या लेते हैं वो आपको बाद में दिखाएंगे। हैप्पी? चल, कितनी अच्छी लग रही है। ये भी मिल गई, बहुत बड़ी बात है नाजा खाला। हाँ, अच्छी लग रही है। सारा को दिखा दो। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। इसके भी अभी एग्जाम चल रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी से हो जाएंगे फिर मस्ती कर रही है। हम कुछ नहीं बेटा, बस हम अभी कुछ बनाएंगे खीर सनी भाई के लिए। अच्छा हाँ, कल सनी भाई आ जाएंगे। आ जाओ सालू अप्पी के बर्थडे में। शादी का सारा, शादी का भूत नहीं उतरा अभी। हाँ बेटा, तुम भी सबसे सलाम कर लो। कितना तो हिल रही हो नाजा खाला। सलाम वालेकुम सब लोगों को, छोटे बड़ो सब लोगों को सलाम। इंशाल्लाह सारा के पेपर हो जाएंगे, बस तुरंत आ जाएंगे, और सब लोगों की बहुत याद आ रही है। तुम आ जाना घूमते हुए। मैं आऊंगी भोपाल। हाँ, सब तुम लोगों को भोपाल वाले बहुत याद कर रहे हैं। भोपाल वालों को अस्सलाम वालेकुम, जल्दी मिलेंगे। फ्रेंड्स, खीर के चावल गला दिए थे अम्मी, उसे पीस। सो रही थी ना तुम बैठे बैठे? नहीं, मैं पढ़ रही हूँ। सो रही थी? नहीं सो रही, आवाज़ से पूछो। फ्रेंड्स, पीछे आप टाइम देख सकते हैं, 1 बजने वाला है, और मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ हिना का, जो मुझे मेहंदी लगाने आएगी, क्योंकि अम्मी ने कहा मेहंदी लगवा लो, सनी आ रहे हैं, तो हम तुम्हारी खीर बनाने में हेल्प कर देंगे। तो अम्मी यहाँ पे अभी क्या कर रही है? खीर के चावल भून रही है, बाकी अम्मी हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर लगेगा ही नहीं हमने बनाई है। बस भून के हम रख देंगे, फिर तुम बना लेना, दूध पका के रख दिए। सोच रही हूँ फ्रेंड्स, चेंज करके नाइट सूट पहन लेती हूँ, फिर आराम से मेहंदी लगाती हूँ, और मेहंदी लगाने के बाद मैं बनाऊंगी खीर, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट में नींद भी नहीं आ रही। इनको ब्राउन करना है ना? कब आएगी ना? आने वाली होगी, अब क्या रात हो जाएगी, बेचारी दूर से आएगी ना, ये बहुत बड़ी बात है कि वो आ रही है। और बस फिर ज्यादा हो जाएगा। बस अभी 1:30 हो चुका है, इन्होंने कहा था कि 12:30 पे आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची, क्योंकि मुझे लग रहा है वो बहुत दूर से आ रही है। मैंने उसको बोला आराम से गाड़ी चला के आना, तब तक हमने सोचा हम खीर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चावल जो है वो यहाँ पे भुने हुए रखे हुए हैं, ये है कढ़ाई, स्टार्ट करते हैं।
हो गई पढ़ाई? कुछ और बचा है तो पढ़ लो। नहीं सुबह उठ के अब और सुबह उठ के 5 बजे बस रिवाइज तो करना पड़ता है ना। 2 बज रहा है, मैं सुबह उठना यार। 5 बजे बस रिवाइज कर, 6 बजे उठना, 1 घंटा कर लेना, फिर भूल जाती। तुम्हारी आंखों में नींद दिख रही है, ये क्या कर रही हो? अलार्म लगा रही हो। इसमें अब बहुत सारे बुलबुले फूट रहे हैं और इसको बार बार चलाना पड़ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि साइड में जम रही है, इतना ज्यादा आसपास वो चिपकता जा रहा है कि मतलब अफसोस होता है कि आधा तो उसी में लगा रह जाएगा, जो पूरी मलाई बनती है ना वो साइड में जाके चिपक जा रही है। तो इसका कोई अगर तरीका हो तो बताना जिससे साइड में ना लगे। बाकी अभी तो मैं चलाती जा रही हूँ उसको। खीर अभी यहाँ पे बन रही है फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूध और डाला है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गाढ़ी हो गई थी। अभी हम चलते हैं क्योंकि हिना का फोन आ गया, वो एकदम नीचे है, तो अभी हम लगवाएंगे मेहंदी रात में 2 बजे सनी के आने की खुशी में। अस्सलाम वालेकुम। इतनी रात में मैंने आपको परेशान किया क्योंकि पता है सनी जो है वो कल सुबह आ रहा है, तो अम्मी ने मुझे अभी बोला लगवा लो। थैंक यू। हमने सोचा था कि एकदम छोटा छोटा वाला डिज़ाइन लगवा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगवाएंगे, 1 घंटे में हो जाएगी, लेकिन लगते लगते काफ़ी ज़्यादा भरी लगा दी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाई, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा लग गए, ये पैरों पे भी लग गई और मैं इतना थक गई थी, इतनी नींद आ रही थी कि मैं चटाई में बस ऐसी सो गई। अस्सलाम वालेकुम। मसला हो गया फ्रेंड्स, मुझे जाना था स्टेशन और मैं उठ ही नहीं पाई। मैं बस, आपने देखा ना, मैं चटाई में थोड़ी देर के लिए लेट गई कि मैं अभी उठ जाऊँगी, और मैं अम्मी से बोलना भूल गई कि मुझे उठा देना, और अम्मी ने मुझे उठाया 10 बजे। अगर मैं यहाँ से बैठूँगी तो मुझे 2 घंटे लग रहे हैं स्टेशन पहुंचने के, तब तक सनी आ जाता, मुझे सरप्राइज देना था, मुझे जाना था, लेकिन मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैं नहीं जा पाई। मैं एकदम से इतना पैनिक करके उठी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, कि मैं सबसे पहले ओला बुक करूँ जाने के लिए क्योंकि वो आने में 5 मिनट लेगी, या फिर मैं अपने कपड़े चेंज करूँ, या फिर मैं सनी से पूछूँ कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो। अगर मैं उससे पूछ रही हूँ तो उसे उम्मीद हो जाएगी कि सब आ रही है, तो मैंने वो स्पॉट या ट्रेन में चेक किया, तो अगर मैं पहुँचती ना, तो अगर मैं यहाँ से निकल भी जाती तो सनी को 1 घंटा स्टेशन में वेट करना पड़ता। यहाँ से मैं जाती, वो वेट करता, फिर किसी को भी वेट करना अच्छा नहीं लगता। फिर हमने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाती, फिर मैंने उसको बता दिया, मतलब उसने कहा अच्छी बात है तुम नहीं आ रहे, तुम 2 घंटे क्यों परेशान होगी, लेकिन मेरा मन था कि मैं जाऊँ। चलो फ्रेंड्स, कुछ कुछ चीजों में अल्लाह की मर्जी होती है, कुछ नहीं कर सकते। अम्मी ने कहा कि अब सर पे ऐसे हाथ रख के बैठने से अच्छा है कि तुम और कुछ तैयारियां कर लो उसके आने की। और मेहंदी का कलर जो है वो अभी इस तरह आया है। आज काफी ज्यादा टाइम चाहिए क्योंकि काफी सारी चीजें अभी मुझे जाके करनी है। और हाँ, ये ब्लॉग एंड करने से पहले आपको बताना था कि बालों में जो हमने कल ट्रीटमेंट कराया उसका नाम है हेयर बोटॉक्स ट्रीटमेंट। बोटॉक्स से पहले हम सोचते थे कि इंजेक्शन होता है क्योंकि लोग लिप्स पे बोटॉक्स लेते हैं, आईब्रोज पे लेते हैं, मतलब फेस पे लेते हैं, तो हमने सोचा कि अरे ये तो फिर हमारे सर में, हमारी खोपड़ी में भी इंजेक्शन लगाते होंगे, सुन के ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे न्यू ट्रीटमेंट है, जैसे पहले स्मूथनिंग था, फिर केराटिन था, ये सारी चीजें आई थी ना जिससे बाल आपके स्ट्रेट कर देते थे, ये उसी का ही सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन है। और उनके हिसाब से ये कहने का मतलब ये है कि ये सबसे अच्छा हमारे बालों के लिए है, जो हमारे बालों को डैमेज नहीं करता। और पहले वाले प्रोसेस कैसी होती थी कि आप 1 दिन कराओ, फिर 1 दिन छोड़ो, फिर 1 दिन वॉश करो, ये लेटेस्ट है, उसी टाइम 3 घंटे लगते हैं, आपका पूरा हो जाता है, थोड़ा महंगा है, जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बाल एकदम स्मूथ सिल्की हो जाते हैं और स्ट्रेट हो जाते हैं। आगे इसके साइड इफेक्ट्स होते नहीं होते क्या होते आपको जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह, अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। रेडी भी तो होना है, बहुत सारी चीजें करनी है। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ सनी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, काफी ज्यादा दिन हो गए, बहुत ज्यादा मिस कर रही थी मैं, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा चीजें एक्सप्रेस नहीं करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, हर एक चीज को हर एक टाइम पे ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए, तो इसीलिए अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।